जैसे कि जो बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं, आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न की आंखों में क्या होता है कि कीचड़ टाइप का आने लगता है, गंदगी टाइप की जमा हो जाती है। जब बच्चे सोकर उठते हैं तो आप देखते हो कि आंखें बच्चे की चिपकी हुई होती हैं। लेकिन क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत सेंसिटिव है, तो ऐसे में माँ डर जाती है कि बच्चे की आँखों को कैसे क्लीन करें, कैसे बच्चे की आँखों का ध्यान रखें। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप अपने बच्चे की आंखों का कैसे ख्याल रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेशु और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशुज बेबी केयर में। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप अपने न्यूबॉर्न बेबी की आंखों को हेल्दी रखने के लिए उनको क्लीन करिए। बच्चे की आंखों को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो और उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम जब भी आप अपने बच्चे की मालिश कर रही हो, बच्चे को नहा रही है, तो उससे पहले आप अपने बच्चे की आंखों को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। कैसे करना है वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको कॉटन का एक रुमाल ले लेना है, बिल्कुल क्लीन, या फिर आप कॉटन ले सकते हो, मतलब रुई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इस कॉटन के कपड़े को या रुई को आपको हल्के गुनगुने पानी में डिप कर लेना है, मतलब गीला कर लेना है। ध्यान दीजिए, पानी हल्का गुनगुना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ठीक है। हल्के गुनगुने पानी से क्या होगा कि जो बच्चों की आँखों के चारों तरफ गंदगी जमी हुई है वो ईजिली निकल जाएगी, ज़्यादा रब करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जो कॉटन का कपड़ा है और रुई, उसकी हल्की सी किनारी टाइप की बना लीजिए, मतलब हल्का सा उसको लंबा सा कर लीजिए। फिर उससे धीरे धीरे से आप अपने बच्चे की आंखों की किनारी जो होती है ना, साइड्स होते हैं, उनको क्लीन कीजिए। आपको दोनों आंखों के लिए अलग अलग कॉटन का यूज़ करना है, ठीक है। एक ही कॉटन दोनों आंखों में आपको यूज़ नहीं करनी है और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आपको अपने बच्चे की आंखों को क्लीन करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिक्कत ज़्यादा ही बढ़ गई है, बच्चे की आंखों में आँखें लाल हो गई हैं, बच्चे की आंखें सुबह सुबह बिल्कुल से चिपक जाती हैं, बच्चा खोल नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, तो फिर आपको ऐसे में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे की आंखों से एकदम आंसू सा पानी सा निकलता रहता है साइड से, तो ये भी दिक्कत वाली बात हो सकती है, आपको डॉक्टर से ऐसे में ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा कॉमेंट्स में। मिलती हूँ आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।